अपने आप को हिंदुत्ववादी कहने वाली पार्टी बीजेपी का एक नया कारनामा अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल दोस्तों, श्री राम सेतु को लेकर संसद के अंदर केंद्र की मोदी सरकार का कहना है कि असल में कोई राम सेतु है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब दोस्तों, बीजेपी वालों ने तो अंधभक्तों के मुँह पर तमाचा सा मारा है। अच्छा बात नहीं है। जो पार्टी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद श्री राम को लेकर चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतती भी है, वही पार्टी आज संसद के अंदर कह रही है कि राम सेतु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राम सेतु को जिस पर श्री राम जी चलकर श्रीलंका पर चढ़ाई की थी, उसी को अब बीजेपी वाले मानने को तैयार नहीं है। वही दोस्तों, अब बीजेपी की इस दोहरी राजनीति पर विपक्ष सहित तमाम सोशल मीडिया यूजर्स जमकर हमलावर हो गए हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन राजू निगम लिखते हैं, बीजेपी भी वही कह रही है जो कभी कांग्रेस ने कहा था। तब कांग्रेस को राम विरोधी कहा गया था, अब इनको भी रामद्रोही ही माना जाए। बात तो सही है। सभी भक्तजन कान खोल कर सुन लें और आंख खोल कर देख लो, मोदी सरकार संसद में कह रही है कि राम सेतु होने का कोई प्रमाण नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? यही बात कोई और बोल दे तो वो हिंदुत्व के गद्दार और देशद्रोही बन जाएंगे, पर भाजपा वाले तो सब चंगा सी। आईपी सिंह लिखते हैं, मोदी सरकार ने संसद में राम सेतु के अस्तित्व को नकार दिया है, ना अच्छे दिन। गजब बेइज्जती है। इस आरोप ने कांग्रेस की छवि बिगाड़ने व हिंदू विरोधी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। अब हमें इस खबर को सही उपयोग करके भाजपा के झूठ को सबके सामने उजागर करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अनुराग ठाकुर लिखते हैं, मोदी सरकार ने फिर से चूतिया काटा है भक्तों का। अच्छा बात नहीं है।